तो बच्चों आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें करना क्या है, कोस ए बाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कोस ए को 2 secant ए के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, कोस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, वन प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, कोस के रही, यहाँ से कोस ए कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर कोस के रे प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला देगा। यहाँ पर ए स्क्वेयर यानी वन का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए बाय कोस ए। यहाँ पर कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए वन का स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। अब यहाँ पर कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। वन प्लस वन प्लस टू साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस में साइन ए कोस ए। वन प्लस वन यानी टू प्लस टू साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। यहाँ से टू कॉमन, यहाँ क्या बच गया, वन प्लस में साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ वन प्लस साइन ए और नीचे वही वन प्लस साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू बाय कोस ए, टू इंटू में वन बाय कोस ए। वन बाय कोस ए किसकी कुल होता है, वन बाय कोस ए सीकेंट ए के, बिकॉज वन बाय कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूव्ड।